हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? और संडे का दिन है तो आपके लिए फिर से हाजिर एक नई वीडियो में। तो जैसे कि थंबनेल देख के आप पहचान गए होंगे कि आज की वीडियो क्या होने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम आपको लेके चलते हैं नर्सरी पे। उस नर्सरी का नाम, एड्रेस सारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप चेक कर लीजिए। और दोस्तों, इस चैनल पे आपको ज़्यादा वीडियो नर्सरी की मिलेंगी, जहां पे आपको कौन से सीजन में क्या प्लांट आ रहे हैं और कौन सी सबसे अच्छी दुकान है आपके फर्टिलाइज़र के लिए। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत वीडियो मिस कर देंगे। तो आप कृपया करके इस चैनल को, जो रेड कलर का बटन है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, तभी आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट मिल सकेगी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपके, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और वीडियो दिखाते हैं। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, आप लास्ट तक वीडियो देखिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हम नर्सरी पे आ गए हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं रंग बिरंगे गमले हैं। तो देखिए, जो आप ये बिगेर कलर का गमला देख रहे हैं, इनका प्राइस जो है कि कम रहा है, और जो आप ये कलर में देख रहे हैं, इनका प्राइस जो है कि ज़्यादा हो जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप प्लेन गमले लिए या कलर वाले, कलर वालों की आपको कुछ ज़्यादा ही MRP देनी पड़ सकती है। तो इधर देखिए, गमले बन रहे हैं और ये देखिए कितने अच्छे कलर के गमले लग रहे हैं। तो ये आप अपने घर पे भी कलर लाके कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप यहाँ नर्सरी से ही कलर वाले गमले लें। पर ये है कि इन्होंने लगा रखे हैं ताकि लोग को खूबसूरत गमले लगें और वो तुरंत यहाँ से ख़रीद लें। तो देख सकते हैं, यहाँ पे मसाला तैयार किया जा रहा है, देख सकते हैं ये। और आप अपने घर पे भी गमले बना सकते हैं, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। तो आप इधर देख सकते हैं, यहाँ हर साइज़ के गमले यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आपको एक अनुमान बता देते हैं, जो यहाँ 10 इंची का गमला है वो आपको 50 रुपये गमला पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे कई ज़्यादा गमले लेंगे तो आपको हो सकता है कि इसमें कुछ डिस्काउंट भी आपको ये दे सकते हैं। ऑनलाइन ये गमले नहीं भेजते हैं, तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो मैं लोकेशन यहाँ की आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके चेक करें कि आपके एरिया से कितनी दूर नर्सरी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, ये गमलों में ये सीमेंट का जो घोल होता है उसको इसमें डाल दिया जाता है, ताकि गमले की फिनिशिंग जो है कि अच्छी फिनिशिंग आए। तो आप देख सकते हैं, इसमें इन्होंने ऑयल भी लगाया है गमले की साइड में, जिससे जब गमले सूख जाएं तो वो आराम से इसमें गमले से, प्लास्टिक के गमले से बाहर आ सकें। तो आप देख सकते हैं, तो आप ये घर पे भी बना सकते हैं गमले। बस आपको जो ये सीमेंट जो ये तैयार करते हैं वो आपको ज़्यादा गीला नहीं करना, अगर आप उसको ज़्यादा गीला कर लेंगे तो वो नहीं बन पाएगा। तो इधर देखिए, ये जो आप ये सब्जी वाले जो पोर्ट देख रखे हैं, ये देखिए, तो ये है 300 रुपये इसका प्राइस है, देख सकते हैं। इसमें सब्जियां आप लगा सकते हैं, जैसे पालक हो गया है सर्दियों की या गर्मियों की, जो भी है वेजिटेबल्स वो इसमें लगा सकते हैं। बहुत अच्छे गमले हैं, 300 रुपये इसकी प्राइस है। और इधर देखिए, यहाँ बोनसाई, अगर आप बोनसाई के बहुत शौकीन हैं तो आपको यहाँ पे बोनसाई पोर्ट भी यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि 40 रुपये से इसका प्राइस स्टार्ट होता है। और गमले आप देख सकते हैं, काफ़ी मजबूती के गमले यहाँ पे बनते हैं। इनसे मैंने बात की तो ये बोले कि हमारे गमले जो हैं काफ़ी मजबूती से बनते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो कई जगह के दोस्तों गमले ऐसे होते हैं कि हम गमले तो ले आते हैं, बहुत सस्ते देख के गमले ले आते हैं, पर वो कुछ दिन बाद वो गमले क्या होते हैं, उसकी साइड से जो सीमेंट है वो झड़ने लगता है और गमला टूट के गिर जाता है। तो आप ये चीज़ ज़रूर वहाँ पे चेक कर लें। तो मैं जिस नर्सरी का आपको ये एड्रेस बता रहा हूँ, वहाँ पे इस चीज़ का ये भरोसा देते हैं कि ये इनके गमले जो है कि बहुत मजबूत गमले होते हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीमेंट डाला जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये सीमेंट इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसको जो काफ़ी जो लिक्विड आप देख रहे हैं सीमेंट का, तो ये काफ़ी गीला हो गया, इसको थोड़ा सुखाने के लिए इस पर सीमेंट छिड़का जा रहा है। ये नर्सरी जो है कि रोड पे ही नर्सरी है, तो देख सकते हैं आप इनका जो ये मसाला तैयार कर रहे हैं सीमेंट का, वो देखिए
सूखा है, ज़्यादा इसको गीला नहीं किया है। ये कहते हैं अगर ज़्यादा आप गीला कर लेंगे इस मसाले को तो आप गमला नहीं बना पाएंगे, इसलिए आपको सूखा रखना है, बहुत कम पानी डालना है। तो ये देख सकते हैं इधर, अब ये गमला बनाना स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें, क्योंकि आने वाले समय में हम आपके लिए नर्सरी की और वीडियो लाने वाले हैं। तो आपको इसी चैनल पे ऐसी इस तरह की वीडियो आपको मिल जाया करेंगी। तो देख सकते हैं यहाँ गमला बनना शुरू हो गया है, और अब इसमें बता रहे हैं कि ये इसको अभी 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद फिर इसको गमला बनाना शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इतनी मैंने मेहनत की है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम नेक्स्ट समय में आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। तो दोस्तों फिर आपको मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, और दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमारे बहुत सब्सक्राइबर कम हैं, तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारे को कुछ सपोर्ट मिलेगी और हम आगे भी चल के आपके लिए और वीडियो ला सकेंगे। तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।